हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ममता ममता क्रिएशन एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगी बहुत स्वादिष्ट सब्जी, वो सभी को पसंद आता है, चने की सब्जी। तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, बताती हूँ मैं किस तरह से बनता है चने की सब्जी। चलिए, चने की सब्जी बनाने के लिए हमने 6 से 7 कली लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, इसको अच्छे से इसको हमने पीस लिया है। हमने मीडियम साइज़ का 2 प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है। फिर हमने मीडियम साइज़ का 2 टमाटर लिया है, उसको भी बारीक काट लिया है। और चने की सब्जी बनाने के लिए हमने चने को रात में भिगो के रख दिया था, उसको हमने भिगो के रख दिया था और उसको हमने साफ़ करके उसको अच्छे से हमने बॉल में रख दिया है। और ये 350 ग्राम हमारा ये चना है। अब तड़के के लिए हम सबसे पहले हम जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। तो हमने 1 चम्मच हमने जीरा और राई लिया है। फिर हमने 1 सूखी लाल मिर्च ली है, उसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया है। उसके बाद हमारा तेज़पत्ता होगा, तेज़पत्ता हमारा 2 है। फिर एक छोटी वाली इलायची है, फिर 4 हमारा लौंग है, फिर 1 बड़ी इलायची है। हम इनको भी तड़के में डालेंगे। इसके बाद हमारा स्वाद अनुसार नमक है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। मैं कम नमक खाती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर हम हींग लेंगे, हींग हमारा 1 चुटकी हींग रहेगा, हींग से हमारा सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। फिर मसाले में हम हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून हमारा हल्दी रहेगा। फिर धनिया पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर हमारा 1 टीस्पून रहेगा। ये गरम मसाला है, गरम मसाला हम एंड में डालेंगे। तो हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये चना मसाला है, एवरेस्ट का चना मसाला है ये हमने 1 टीस्पून लिया है। ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च से हमारा सब्जी का कलर निखर के आता है, इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो अब हम चलते हैं चने की सब्जी किस तरह से बनता है हम बताते हैं आपको। अब हम कुकर में बनाएंगे चने की सब्जी। तो हम देखिए, हमारा कुकर अभी गर्म हो रहा है। तो देखिए, हमारा ये कुकर गर्म हो चुका है। अब हम सरसों का तेल डालेंगे। हमारे सरसों का तेल बड़े चम्मच से 2 चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। हम सरसों का तेल खाते हैं तो इसलिए हम सरसों का तेल में बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल तेल, कोई भी तेल खाते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो हम इस तरह से इसको डाल देंगे, इस तरह से। अब इस तेल को हम गरम होने दें। तेल गरम हो गया है, हींग डालेंगे सबसे पहले, ये जीरा और राई डालेंगे, जीरा राई का ये आवाज होना बंद हो जाएगा, जीरा राई अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तेल में। बाद हम गैस को कम कर देंगे। उसके बाद हम तेज पत्ता डालेंगे, उसके बाद हम इलायची, लौंग और बड़ी इलायची डालेंगे। इसको इस तरह से हम चलाएंगे। फिर हम लाल मिर्ची भी डाल देंगे। इसको थोड़ा हम पकने देंगे। कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। इस तरह से प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले हम इसको इस तरह से ढक देंगे, हमारा प्याज अभी फ्राई हो रहा है। चलिए, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से हमारा फ्राई हो रहा है। ये देखिए, हमारे प्याज का कलर आ गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे सारा। इसको इस तरह से चलाएंगे हम। ये हमारा प्याज और लहसुन फ्राई हो चुका है, भून चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह गल जाए। मैंने नमक डाल दिया है, प्याज को प्याज अच्छे से गल जाता है नमक डालने से, तो हम नमक डाल दिया है हमने। इसके बाद हम ये हल्दी डाल देंगे।
हल्दी को हम पकने देंगे, उसको तो हम ढक के रख देते हैं, कम किया हुआ हमारा गैस। ये देखिए हमारा हल्दी पक चुका है, अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसको इस तरह से चलाएंगे, हम इस तरह से इसको चलाएंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे 2 मिनट तक, ताकि हमारा धनिया पाउडर भी पक जाए। हमारा ये धनिया पाउडर भी, मसाला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम 2 मिनट तक ऐसे पकने देंगे, इस तरह से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर मसाले में मिक्स हो गया है। अब इसमें हम चना मसाला डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये हमारा चना मसाला है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये गरम मसाला हमारा बच गया है, इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमारा ये सब्जी पूरा तैयार हो जाएगा। हमारा टमाटर लगभग पूरा गल गया है, मसाले के साथ मिक्स हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पूरा पानी हमारा, ठंडा पानी मत डालिएगा, गरम पानी डालिएगा। गरम पानी से जल्दी से हमारा ये टमाटर गल जाएगा। ये देखिए अब इसको हम 2 मिनट ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं 2 मिनट तक। ये देखिए हमारा ये टमाटर पूरा मसाले के साथ और पूरा अच्छे से गल गया है। इस तरह हम चना डाल देंगे। ये हमारा चना है, इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे चलाएंगे इसके साथ। ये देखिए चना हमारा मसाले के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, गुना पानी डालेंगे। हमने टोटल इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। इतना ही डालिए जितना आपको जरूरत है। हम फ्लेम को तेज कर देंगे, इसके बॉईल आने तक का इंतजार करते हैं। ये देखिए हमारा ये चने में बॉईल आ चुका है। अब इसको हम कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी तक इसको पकाएंगे। चलिए कुकर का ढक्कन लगा दिया है, अब 3 सीटी तक हम इसका वेट करेंगे। सीटी लग चुका है, हम कुकर को खोल लिया है। अब हम आएंगे इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे चने की सब्जी का। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, जो हमारा गरम मसाला बच गया था, ये हमारा गरम मसाला डलेगा इसमें। कलर कितना खुल के आया है ना। चलिए हमने अभी गरम मसाला डाला है, इसको हम कुकर को इस तरह से हम ढक देते हैं, ताकि हमारा गरम मसाला इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें स्वाद बढ़ के आएगा। तो हमारा सब्जी कंप्लीट हो गया है, हमारे चना की सब्जी तो बन गया है। अब इसके साथ ही मुझे अच्छा लगता है तो हम पराठा बनाएंगे। ये देखिए हमारा चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है पराठे के साथ। और थोड़ा हम प्याज लेंगे और नींबू लेंगे, प्याज और नींबू के साथ और स्वादिष्ट लगती है चने की सब्जी। चलिए हम खाते हैं चने की सब्जी। वाओ, वेरी टेस्टी। इसके साथ प्याज भी खाएंगे। मुझे तो टेस्टी लग ही रहा है, मैंने बनाया है। आप भी ये वीडियो देखिए और आप भी घर में बनाइए, बहुत टेस्टी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो मेरा देख के ये चने की सब्जी बनाएंगे और पराठे के साथ और चावल के साथ खाएंगे। और खा के बनाने के बाद मुझे बताइएगा किस तरह से बनी है मेरे कमेंट बॉक्स पे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए
जाइए जाइए किचन में जाइए, आप बनाइए चने की सब्जी।